व्हीकल के जो क्लेम केस रहते हैं अराइजिंग आउट ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल इंजरीज, इसमें बीमा कंपनी का एक डिफेंस है दैट द ड्राइवर ऑफ द ऑफेंडिंग व्हीकल डिड नॉट हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। इस डिफेंस में एक जो चीज देखने को मिली है कि जिनके पास लर्नर लाइसेंस है, बीमा कंपनी के हम लोग जितने वकील हैं हम ये डिफेंस लेते हैं कि लर्नर लाइसेंस अगर आप होल्डर हो तो भी वो ब्रीच ऑफ पॉलिसी कंडीशन है। हमारी इस डिफेंस का कारण आप लोगों को मालूम होगा, वो है मंधर माधव तांबे वाला केस 1996 वॉल्यूम 2 एससीसी पेज 328। अब इस जजमेंट के बाद आप लोगों को मालूम है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस स्वर्ण सिंह आई है जिसका साइटेशन है 2004 वॉल्यूम 3 एससीसी 297। इसमें लर्नर लाइसेंस को भी एक वैलिड लाइसेंस माना है। यहां तक कि जैसे किसी पॉलिसी कंडीशन में लिखा हुआ है दैट द ड्राइवर मस्ट होल्ड अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अदर देन अ लर्नर लाइसेंस, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन भी लागू नहीं होगी। इसमें सेंटेंस जो है सुप्रीम कोर्ट का मैं पढ़ के सुनाता हूं। इट कैनॉट बी सेड दैट अ पर्सन होल्डिंग अ लर्नर्स लाइसेंस इज नॉट एंटाइटल टू ड्राइव द व्हीकल इवन इफ देयर एग्जिस्ट अ कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस दैट द व्हीकल कैनॉट बी ड्रिवन बाय अ पर्सन होल्डिंग अ लर्नर्स लाइसेंस द सेम वुड रन काउंटर टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149 विदिन ब्रैकेट 2 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो भाइयों ये बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन हो गई बीमा कंपनी के लॉ ऑफिसर्स के लिए और बीमा कंपनी के वकीलों के लिए कि अगर किसी का लर्नर लाइसेंस है तो भी स्वर्ण सिंह आपके आड़े आ जाएगा। अब नाउ ये स्वर्ण सिंह को एक और जजमेंट में फॉलो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो जजमेंट है महमूदा की। उसकी साइटेशन आपको मैं बताता हूं, 2004 वॉल्यूम 13 एससीसी पेज 684। तो आप बताइए अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस रखा है लर्नर तो उसको गाड़ी किस प्रकार चलानी चाहिए। उसकी दो कंडीशंस हैं। पहली बात तो उसके साथ एक व्यक्ति बैठा होना चाहिए परमानेंट लाइसेंस होल्डर जो कि इस पोजीशन में बैठा हो कि अगर उससे गाड़ी न संभालते बने तो वो संभाल ले। और दूसरी कंडीशन ये है कि सामने और पीछे एल लिखा रहना चाहिए। अब मेरा ये कहना है, डिफेंस एक और मैं डेवलप कर रहा हूं जो कि ये वाली जो साइटेशन स्वर्ण सिंह वाली साइटेशन में ये वाला पॉइंट भी डील नहीं किया हुआ है, ये एक डिफेंस बाकी है मेरा ये मानना है। परंतु इसके लिए आपको एमएससीटी के सामने अधिकरण के सामने ये साबित करना पड़ेगा कि ना सिर्फ इस व्यक्ति का लर्नर लाइसेंस था बल्कि इस व्यक्ति ने के साथ कोई ऐसा परमानेंट लाइसेंस होल्डर नहीं बैठा था, ये अकेला मोटरसाइकिल कार चला रहा था। और दूसरी बात, इसकी गाड़ी के आगे और पीछे एल लिखा हुआ नहीं था। इस प्रकार का अभिकथन किसी विटनेस को, गवाह को एमएससीटी के सामने बोलना चाहिए और इसके बाद पॉलिसी प्रूव करनी चाहिए, लर्नर लाइसेंस प्रूव करना चाहिए, आरटीओ से आरटीओ क्लर्क प्रूव करना चाहिए। देखिए जो बीमा कंपनी के डिफेंस है वो साबित करने थोड़े ज्यादा मुश्किल होते हैं क्योंकि वेरी स्ट्रिक्ट लॉ ऑफ प्लीडिंग एंड प्रूफ इज अप्लाइड अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी, परंतु क्लेमेंट के पक्ष में वो लीनियंट भी हो जाता है। इसलिए मैं बीमा कंपनी के सभी अधिकारियों को, लॉ ऑफिसर्स को और सभी बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं को, खासकर जो एमएससीटी के काउंसिल हैं, उनको ये मार्गदर्शन देना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों अगर किसी का लर्नर लाइसेंस है तो आप ये पहली बात तो उन्हीं का गवाह है, उसी को कन्फ्रंट करो कि देखिए आपके साथ आपके मोटरसाइकिल में पीछे कोई नहीं बैठा था, ड्राइवर को ऐसा कन्फ्रंट करो। या फिर क्लेमेंट का जो आई विटनेस है उसको बोलो इसके मोटरसाइकिल में इसके पीछे कोई नहीं बैठा था, ये सिर्फ लर्नर लाइसेंस होल्डर था।
या वो कार चला रहा, तो कार अकेला चला रहा था, उसके बाजू में कोई भी रेगुलरली परमानेंट लाइसेंस्ड बंदा नहीं था। ऐसा आपको गवाह के को सजेशन देना, उसके मुंह में ये सजेशन डालना है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका काम बन गया, वरना आप अपनी तरफ से एक इंडिपेंडेंट विटनेस पेश कीजिए। दूसरी बात, आपको ये पूछना है कि आपके गवाहन के आगे और पीछे एल लिखा हुआ नहीं था। अगर वो इस बात को प्रूव नहीं करता तो अपनी ओर से इंडिपेंडेंट विटनेस पेश कीजिए। इसके अलावा फिर से मैं रिपीट कर दूं, आरटीओ या आरटीओ क्लर्क को लाइसेंस कंडीशन प्रूव करने के लिए अवश्य पेश करिए, एक बीमा कंपनी के अधिकारी को या इन्वेस्टिगेटर को अवश्य पेश करिए। मैं बिल्कुल भी क्लेमेंट के खिलाफ नहीं हूं, परंतु जो लोग इस प्रकार के ट्रैफिक लॉज का वायलेशन करके एक्सीडेंट कमिट करते हैं, इनको अगर आसानी से मुआवजा मिल जाता है तो भविष्य में एक्सीडेंट और बढ़ेंगे। हमारा हृदय तो गरीब आदमी के साथ, परंतु कानून को फॉलो होना चाहिए ताकि भविष्य में एक्सीडेंट कम हो।